वाली हूँ वीडियो खेल के दौरान घटी सबसे अजीब और शर्मनाक घटनाएं, वन इन द मिलियन मोमेंट्स बाय मिस्टीरियस स्टोरीज। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एवरीवन, आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल लिखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो गाइस, आप सबको किसी ना किसी गेम में इंटरेस्ट तो होगा ही, और आप सब सोफे पर बड़े आराम से बैठकर गेम्स तो देखते भी होंगे, लेकिन क्या आप खेल के दौरान होने वाले कुछ फनी या फिर वियर्ड मोमेंट्स पर गौर करते हैं? लगभग हर एक गेम में कोई ना कोई ऐसे मोमेंट्स देखने को मिल ही जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में कई कैमरे गेम को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यही वजह है कि खेल के दौरान हमें तमाम मजेदार पल देखने को मिल जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर नई सीरीज लाई जाए, जो डेफिनेटली आपको बोरियत को दूर भगाएगी। तो चलिए देखते हैं इस सीरीज का पहला पार्ट, वन इन अ मिलियन मोमेंट्स इन स्पोर्ट्स हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई सा भी वीडियो आप मिस न करें। देखो, कुछ होते हैं ऑर्डिनरी खिलाड़ी, कुछ होते हैं प्रो, लेकिन ये लड़की अलग ही लेवल की खिलाड़ी निकली, जिसने एक ही शॉट में सारे बॉल्स को सही ठिकाने पर पहुंचा दिया। ये देखकर साथ खड़े इस लड़के ने भी सर पकड़ लिया। दोस्तों, मुझे लगता है फुटबॉल का मैच काफी बोरिंग हो रहा था, क्योंकि बेचारे प्लेयर्स एक भी गोल करने में नाकाम थे, और शायद इसीलिए कूलिंग टावर्स ने भी बोर होकर अपने स्थान पर समाधि लेना ही ठीक समझा। वैसे कैमरे में कैप्चर हुई ये तस्वीर थोड़ा डरावनी भी है। अब लगता है इस बंदे को किसी ने कह दिया कि सिर्फ मोर्टल कॉम्बैट खेलने से आप सुपरस्टार नहीं बन सकते, इसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। सो लो गजब का किक और अपोनेंट हुआ चित। और अब जरा इस गोलकीपर को देखिए, जैसे उसके टीम के सारे प्लेयर्स निकम्मे हैं और वो सारा काम खुद ही कर लेगा। ओ वेट, लगता है इस बार गोल। अरे नहीं भाई, गोलकीपर तो सच में रेनबो निकला, क्या कमाल किया है। गोल बचाने की निंजा टेक्निक मुझे पसंद आई। वैसे दोस्तों, रोनाल्डो, मेसी या फिर नेमार, कौन से प्लेयर के तकनीक आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। देखने से ये कार मुझे किसी वीडियो गेम की तरह लग रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये वीडियो क्लिप काफी कूल लग रहा है। किसी भी खेल में आपको गेम के आखिरी सेकंड तक अपने दिमाग को शांत और आंखें खुली रखनी पड़ती है, क्योंकि एक भी गलती आपके हार का कारण बन सकती है। वैसे ये ज्ञान इस वीडियो के लिए था, जिसमें ब्लू कॉस्ट्यूम में नजर आ रहे रेसलर को लगा कि उसका ये दांव उसे जीत के करीब ले जाएगा, लेकिन रेड कॉस्ट्यूम वाले ने ऐसी उल्टी चाल चले कि दूसरा सोचता रह गया कि उसके साथ क्या हो गया। इसीलिए गेम में हमेशा आपको एंटेटिव मोड में रहना चाहिए। सहमत है तो इस वीडियो पर लाइक कर दें। अब इस फुटबॉल मैच के दौरान एक प्लेयर ने अपोनेंट टीम में एक प्लेयर पर पीछे ही पड़ गया। उसने एक के बाद एक तीन बार फुटबॉल से दूसरे प्लेयर को मारा। मजे की बात यह है कि तीनों बार उसने अपना टारगेट अचीव किया। और अब इस वीडियो क्लिप को देखिए, जहां थोड़ी सी बारिश ने रेस में काम खराब कर दिया। टोटल 16 कार में से 11 कार शिकार हो गई और शायद मैच से बाहर भी। और ये क्लिप वन ऑफ माय फेवरेट है। आप बोल रहे होंगे कि इस ऑर्डिनरी मैच में ऐसा क्या खास है, तो रुको, जरा सबर करो। जरा आप देखिए इस ग्रेनी को, जो लाल कॉस्ट्यूम वाले को पीटने चली आई बीच मैच के दौरान। मेरे ख्याल से ब्लू कॉस्ट्यूम वाले रेसलर की कोई रिश्तेदार है या आंटी। अच्छा हुआ कि ग्रेनी जी अपने साथ कोई बेसबॉल बैट लेकर नहीं आई, वरना दिमाग की ऐसी घंटी बजती कि रेसलिंग सब भूल जाता बंदा। दोस्तों, इस फुटबॉल ग्राउंड के आसपास बिजली के कई खंभे थे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते बच गया। लग रहा है जैसे मैच में जीती हुई टीम के लिए पटाखे फोड़े जा रहे हैं। बाप रे, खतरनाक था ये मैच। अब इस क्लिप को देखो और बताओ कि अक्ल बड़ी या भैंस। देखो, सिर्फ हल्क जैसा शरीर बनाने से कुछ नहीं होता जनाब, बल्कि बादाम खाओ और दिमाग तेज करो, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जिम करने वाले भाई, दिल पर मत लेना प्लीज। अब इस बंदे के रिफ्लेक्शन के क्या ही कहने, जिसने सारे पंचेस को ऐसे डॉस किया कि देखकर मजा गया। लगता है इस टीम के पास बहुत बेहतरीन और टैलेंटेड गोलकीपर है। अरे ये कौन है? ओह, प्लेयर तो नहीं लग रहा, तो फिर इतने अच्छे से कैसे इतने सारे गोल रोक लिए? अच्छा, ये एक मसाज थेरेपिस्ट है। वाह भाई वाह, इतने गोल रोकने के बाद लगता है उसे भी मसाज की जरूरत है। और किट लेकर भागा। और ये देखिए, प्लेयर भी उससे गुस्से में है। Obviously,
यार। ओहो, बहुत कम बार ऐसे क्लिप्स देखने को मिलते हैं। जरा देखिए तो बाइक से गिरने के बाद काफी दूर तक ट्रैक के साइड से घिसटता हुआ गया। लेकिन सबसे खास बात तो मुझे ये लगा कि ये जिस तरह से खड़ा हुआ है देखकर मजा आ गया। मजा और अब देखिए मोटो जीपी रेसर को मैराथन करते हुए। अब इस क्लिप को देखिए जिसमें ये बॉक्सर ने पंच किया दूसरे के थोबड़े को तोड़ने के लिए, लेकिन इसने खुद के थोबड़े को मार दिया, मतलब अपने ही पंच से खुद के चेहरे को सुझा दिया। वाह भाई कमाल है। बारिश के दौरान ग्राउंड पर फुटबॉल मैच खेलते हुए कई बार आपने देखा होगा प्लेयर्स को, लेकिन स्नोफॉल के दौरान फुटबॉल मैच को देखना थोड़ा रेयर है। देखिए स्नो अपना कैसे रोल प्ले कर रही है। स्नो ने फुटबॉल को गोल होते होते बचा लिया। आजकल ड्रोन का इस्तेमाल लगभग सारी मूवीज और स्पोर्ट्स इवेंट में एक्शन सीन को शूट करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे सीन्स के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस को मैंने कई बार देखा है, लेकिन इस क्लिप में कार रेस को फिल्मा रहे ड्रोन की किस्मत थोड़ी सी खराब थी, क्योंकि कार को जबरदस्त तरीके से फिल्माने के चक्कर में उसने अपनी कुर्बानी दे दी। और जब किस्मत भी खराब हो और भगवान भी आपसे नाराज हो तो फिर आप इस तरह के मोमेंट का शिकार हो जाते हैं। बेचारा इसे लगा कि वो अब फिनिश लाइन को क्रॉस करके जीत हासिल कर लेगा, लेकिन जीत की खुशी मनाने के चक्कर में उसका पैर जमीन पर कुछ इस तरह से लैंड हुआ। ओ नो, बेचारा चोट के दर्द से ज्यादा हार का अफसोस उसे सता रहा है। रग्बी का मैच चल रहा था, ये प्लेयर रग्बी बॉल लेकर भाग रहा था, लेकिन सामने से जैसे ही दूसरी टीम का प्लेयर रोकने के लिए आया, बंदे ने क्या फ्लिप मारा और सीधा लाइन क्रॉस करके पॉइंट अपने नाम कर लिया। एक बार फिर देखिए कमाल है, कमाल है दोस्तों। दोस्तों मैच के दौरान लापरवाही की कोई जगह नहीं, लेकिन यहाँ देखिए लापरवाही की वजह से गोल खा बैठा। शिट, बस थोड़ा ये तो बहुत कॉमन है कि आपने एक पंच से दूसरे प्लेयर को सीधा जमीन पर गिरा देगा। इनफैक्ट ऐसा ही होता आया है, कई बार देखा भी है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि दोनों प्लेयर एक ही वक्त में एक दूसरे को पंच मारे और दोनों ही एक साथ धराशाही हो जाएं। हाँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कह दे कि जानू मैं अकेली हूँ घर जल्दी आओ, तो आप फिर गाड़ी ऐसे चलाएंगे, जमीन पर चलाने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता, आप तो बस गाड़ी को हवा में उड़ाएंगे। जर्मनी के म्यूनिख में 16 जून 2020 को फ्रांस और जर्मनी के बीच फुटबॉल मैच चल रहा था। मैच के दौरान हवा में पैराशूट के साथ एक शख्स उड़ता हुआ नजर आया। शख्स ने एक गेंद भी अपने पास रखी जिसे उसने ग्राउंड के ऊपर आते ही नीचे गिरा दिया। देखो बेरोजगार भरे बैठे हैं, लेकिन खाली वक्त को जिसने सही से यूटिलाइज कर लिया वही बाजीगर। मुझे लगता है ऐसा कुछ करने के लिए खाली समय और तेज दिमाग की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों जरूरी नहीं कि तेज दिमाग हो तो अच्छे प्लेयर कहलाएंगे, ना ना, अच्छे रिलेशन भी होने जरूरी है इस बंदे की तरह, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बहुत बड़ा, बहुत। इस लड़की की टीम बुरी तरीके से मैच हार रही थी, कह सकते हैं कि सबसे पीछे थी, लेकिन इस लड़की को अचानक से याद आया कि घर में तो इसने चाय चढ़ाई है और गैस बंद करना भूल गई। बैड जोक के लिए माफी, लेकिन शाबाशी इस लड़की के लिए जो बड़ी तेजी से रेस में भागी और टीम की लाज बचाई। अगर आपको लग रहा है कि आपका दिन बुरा है या फिर सुबह से आपके साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है, तो इस बंदे से कुछ सीखो जनाब, परेशानियों को कैसे चुनौती देते हैं ये। ऐसा कई बार होता है जब आप कोई मैच खेल रहे हैं और इस दौरान आप जरूरत से ज्यादा जोश में आ जाते हैं। इस खिलाड़ी को मालूम था कि गोलकीपर आसानी से बॉल को गोल होने से बचा लेगा, लेकिन जोश में आकर इस बंदे ने होश खो बैठा और जा गिरा। ये खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार है, दो जंप, फिर शानदार मूव और फिर बेहतरीन हिट। एक बार फिर देखते हैं स्लो मोशन में। ओह माय गॉड, इसमें कोई शक नहीं कि चोट नहीं आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ऐसे धमाकेदार मजेदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर हर रोज आते रहते हैं, इसीलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। तो बात करना चाहती हूँ मैं लक के बारे में, किन किन लोगों का लक ऐसे कि वो सेकेंड आने वाले होते हैं सेकेंड, बट फिर भी वो फर्स्ट आ जाते हैं। मतलब पहले वाले की जो एक्साइटमेंट होती है, ओवर एक्साइटमेंट, जिसके वजह से गड़बड़ हो जाती है, फिर पीछे वाला आगे पहुंच जाता है, वो फर्स्ट आ जाता है। यार लक भी कितनी बड़ी चीज होती है ना, सीरियसली। अभी मैं आपको बात करूं एक्साइटमेंट की, बात अगर मैं करूं, होता है ऐसे, ओके। तो ऐसा था कि हम लोगों को ऐसे साउंड चाहिए था
डांस करने के लिए ओके तो वो ऑक्स वायर नहीं थी और मैं इतनी एक्साइटेड, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है जब सब लोग मिलते हैं एंड ऑल दैट, नहीं क्या? तो फिर मुझे ऐसा लगता है नहीं सब होना चाहिए, इवन मेरी फैमिली भी हम जब सब लोग मिलते हैं तो साउंड लगाते सब लोग डांस करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, मुझे बहुत ओवर एक्साइटमेंट में मैं रास्ते क्रॉस करते टाइम, मेरा रास्ता क्रॉस करना और एम्बुलेंस का आना एक ही टाइम पे हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि गाड़ियां बहुत दौड़ने लगी। तो फिर आगे जाओ पीछे जाओ क्या करूं, मैं वहीं पे रुक गई। तो फिर देखा था टू व्हीलर आई और उसने मुझे डैश किया, ढूंढ करके मेरे दोनों घुटने, बहुत बुरी तरीके से लगा था मुझे उस दिन। तो एक्साइटमेंट बोलते ना, ओवर एक्साइटमेंट कि मुझे ऑक्स चाहिए, हम ऐसे करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, ओवर एक्साइटमेंट में घुटने, तो मेरे ओवर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है हमेशा की तरह है वो, लेकिन मेरे दिमाग में किसी ने कुछ डाला ना कि ये करना है तो हो गया, हाँ हम ऐसे करेंगे हम ये करेंगे, फिर हो जाता है मेरा कुछ तो वाट लग जाती है। मतलब वीडियो वॉज ऑसम यार, स्पोर्ट्स मूवमेंट वगैरह देख के मजा आ गया। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। मैं आती हूँ रोज वीडियोस के साथ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परत नहीं आ लेट्स।